मैंने लाहौर में अप्लाई किया था और फैसलाबाद में मेरा पासपोर्ट एक वीक बाद आ गया था, उसमें वीज़ा स्टैम्प हुआ हुआ था। कोई ऐसा व्यूअर देख रहा है ये वीडियो जिसको बिल्कुल पता नहीं बेल्जियम का कि बेल्जियम में मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए कोई एक ऐसा पोर्टल है जहाँ उसे सारे प्रोग्राम्स मिल जाएं, यूनिवर्सिटीज़ का पता चल जाए और उसे ये भी पता चल जाए एडमिशन्स कब ओपन होंगे कब क्लोज़ होंगे? डिफरेंट इंटायरी एजेंसीज़ हैं, आप उनमें अप्लाई करते हैं, वो प्रोसेस एक माह ले लेता है, तो उसके बाद वो आपको अपने डेटाबेस में डाल लेते हैं और फिर वेयर हाउसेज़ की जॉब्स आती हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट जॉब्स होती हैं वो आपको उसके लिए कॉल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो आज मेरे साथ बनी आबिद भाई हैं, इन्होंने रिसेंटली बेल्जियम से मास्टर्स किया है और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है स्टडी अब्रॉड यूरोप के नाम से, जिस पे इन्होंने ऑलरेडी बहुत हेल्पफुल वीडियोस बना ली हुई हैं और होपफुली आगे भी बनाते रहेंगे। तो वो आप फॉलो करें, ऑलरेडी जो वीडियोज़ मौजूद हैं वो देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसके अलावा बनी भाई अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बनी आबिद है और मेरा बैचलर्स पाकिस्तान से है, बैचलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैंने किया था 2015 से 2019 सेशन में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। तो मैंने अपने बैचलर्स के बाद एक ईयर गैप लिया, उस गैप के बाद 2020 में मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुई बेल्जियम की, मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उस स्कॉलरशिप पर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हासल्ट में पहली दफ़ा बेल्जियम आया था सितंबर में। तो बनी भाई आपने बताया कि आप 2020 में पहली दफ़ा बेल्जियम आए थे मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप में, ज़्यादा डिटेल में तो हम बाद में जाएंगे, पहले आप थोड़ा सा ये बता दें कि आपने बेल्जियम ही क्यों चूज़ किया और थोड़ा सा टाइमलाइन उसकी बता दें कि बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स कब ओपन होते हैं और कब क्लोज़ होते हैं। अच्छा, तो बेल्जियम मैंने क्यों चूज़ किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जब अप्लाई कर रहा था मैंने इटली को टारगेट किया था, नॉर्वे टारगेट किया था, तो सब कंट्रीज़ में अप्लाई किया, एडमिशन ऑफर्स भी थी, लेकिन बेल्जियम में स्कॉलरशिप्स का एक सिनेरियो बन रहा था, मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप जिसे बोलते हैं, तो मुझे वो स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी जिसकी वजह से मैंने प्रायोरिटी दी बेल्जियम को, तो यहाँ पे मैंने फिर अपना मास्टर परसू किया, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में भी फॉर एग्ज़ाम्पल इटली और नॉर्वे में ट्यूशन फ़ी ज़ीरो है या फिर कम है, तो लेकिन आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। बेल्जियम में मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मुझे वो भी कवर थे एक स्टाइपेंड के थ्रू, तो मैंने इसलिए बेल्जियम को चूज़ किया था। तो अब कोई ऐसा व्यूअर देख रहा है ये वीडियो जिसको बिल्कुल पता नहीं बेल्जियम का कि बेल्जियम में मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए कोई एक ऐसा पोर्टल है जहाँ उसे सारे प्रोग्राम्स मिल जाएं, यूनिवर्सिटीज़ का पता चल जाए और उसे ये भी पता चल जाए एडमिशन्स कब ओपन होंगे कब क्लोज़ होंगे, ये थोड़ा ओवरव्यू दे दें इस चीज़ का। बेल्जियम में एज सच कोई एक पोर्टल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह इटली में है और कुछ कंट्रीज़ में मैं कह सकता हूँ कि एक पोर्टल होता है, उसमें आपको हर यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेल्जियम में टोटल यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं 6 या 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स विज़िट करनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें सबसे आपने अगर बिल्कुल बिगिनर्स हैं आप गूगल पर लिखें यूनिवर्सिटीज़ इन बेल्जियम, तो आपको वही 6 यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएंगी। आप सबकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें और वेबसाइट इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से एक सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन होंगे दिसंबर के एंड से या किसी यूनिवर्सिटी में जनवरी से, और जनवरी से लेके मार्च के मिड तक एडमिशन्स ओपन होते हैं। यह डेडलाइन वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फेब के एंड में भी क्लोज़ हो जाते हैं, तो ये जनरल डेडलाइन है और आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगी। तो आपने शुरू में बताया था कि आप मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप पे आए थे, तो उसका थोड़ा डिटेल में बता दें कि मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होता है या वो ऑटोमेटिकली आप कंसीडर हो जाते हो, और मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के अलावा कोई और भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अब मास्टरमाइंड तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है ना, तो जैसे इटली में अब रीजनल स्कॉलरशिप का सीन है, नीड बेस का सीन है, मैंने वैसे कहीं और सुना तो नहीं, पर बेल्जियम का भी बताते हैं उधर है या नहीं। बिल्कुल, बेल्जियम में एज सच नीड बेस स्कॉलरशिप तो नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और आप अगर मेरिट बेस स्कॉलरशिप भी अगर कंसिडर करें तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मास्टर माइंड स्कॉलरशिप ज़रूर है और इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कम्प्लीट करनी पड़ती हैं,
इसमें एक है कि 3.5 CGPA हो आपकी मिनिमम। अगर आपकी 3.5 CGPA नहीं है बैचलर्स में तो आप 3.49 है तो नहीं आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि मतलब आपको एकेडमिक्स आपके ग्रेड अच्छे हों। सेकंड है कि आइल्स, आइल्स में 7 बैंड्स चाहिए। अब 6.5 भी हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो 7 बैंड्स रिक्वायरमेंट्स वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती। जब मैंने अप्लाई किया था मुझे तब से इन्फॉर्मेशन है कि 20 स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं, उसमें से भी उन्होंने कुछ फिक्स्ड कोटा रखा हुआ है, पैलेस्टाइन, यूएसए, मेक्सिको और शायद जापान, मुझे भूल गया, लेकिन इन चार कंट्रीज़ का, उस उन कंट्रीज़ को वो दो दो तीन तीन सीट्स देते हैं, बाकी जो बच जाएँ वो बाकी दुनिया वालों को। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक। बाकी रिक्वायरमेंट्स वही हैं, मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, तो उन सबके ग्रेड्स बनते हैं, मार्क्स बनते हैं और 100 में से इनका मेरिट बनता है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। और सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए? नहीं, अब ये भी वेरी करता है। अब 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने सिंपल एडमिशन प्रोसीजर में रखा हुआ है कि आप एप्लीकेशन भेजते हैं एडमिशन के लिए, तो उसी के साथ वो टॉप कैंडिडेट्स को चूज़ कर लेते हैं। उन्होंने सिंपल अपने एप्लीकेशन कॉल में बताया होता है कि मोटिवेशन लेटर में एक पैराग्राफ इंक्लूड करें कि आप विलिंग हैं अप्लाई करने के लिए मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप में, तो आप वो एक पैराग्राफ इंक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गेंट यूनिवर्सिटी, तो इसमें आपको अप्लाई नहीं करना सेपरेट से। अगर आप हासल्ट यूनिवर्सिटी की बात करें या व्री यूनिवर्सिटी ब्रसल्स की बात करें तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। उसका भी आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक मिल जाएगा स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में, लेकिन वो सिंपल ऑनलाइन फॉर्म होता है तो आपने वो फिल करना है। सही, तो इस बारे में जो भी कोई लिंक होगा वो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा मुझसे, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके अलावा एक और बड़ा हॉट टॉपिक जो हर कंट्री को लेके होता है, वीज़ा प्रोसेस। तो बेल्जियम का वीज़ा प्रोसेस कैसा है? आपकी तो चले स्कॉलरशिप थी, आपका मोस्ट प्रोबेबली स्मूथ ही रहा होगा, तो अगर स्कॉलरशिप नहीं है किसी की, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है या ब्लॉक्ड अकाउंट होता है, ये सारा बता दें। बेल्जियम का वीज़ा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होता है। अगर आप इटली से कंपेयर करें तो बेल्जियम का 80% ज़्यादा स्मूथ है। और अगर आपके पास स्कॉलरशिप है, मैं उसका पहले बता दूंगा, स्कॉलरशिप में आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्कॉलरशिप लेटर अटैच करना है और बाकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं पासपोर्ट वगैरह वो सबमिट करने हैं और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो आपका वो मिल जाएगा। कितने ही देर में? आपको लंबी अपॉइंटमेंट की वेटिंग लिस्ट नहीं होती, आप अप्लाई करते हैं गैरीज में, गैरीज में आपको अगले माह की भी मिल जाती है अपॉइंटमेंट। अब अगले माह की अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप जाएंगे वहाँ पे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपके वो फिंगरप्रिंट्स लेंगे। तो उसके बाद मेरा स्कॉलरशिप पर था तो मुझे एक वीक के अंदर मेरा पासपोर्ट, मैंने लाहौर में अप्लाई किया था और फैसलाबाद में मेरा पासपोर्ट एक वीक बाद आ गया था, उसमें वीज़ा स्टैम्प हुआ हुआ था, तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। नॉर्मली अब मैं दूसरा प्रोसीजर बता देता हूँ, उसमें डिटेल में बताऊँगा कि स्कॉलरशिप के बगैर आपका क्या प्रोसीजर है। तो स्कॉलरशिप के बगैर आपका सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि ब्लॉक अकाउंट है, हर यूनिवर्सिटी का ब्लॉक अकाउंट है, अराउंड अबाउट 11,000 यूरोज। तो आपको एक तो ये चाहिए, जर्मनी वाला हिसाब है ऑलमोस्ट। हाँ, जर्मनी वाला हिसाब है, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही आप सबमिट करवाते हैं। जर्मनी में आई डोंट थिंक यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप सबमिट करवाते हैं, स्लाइट डिफरेंसेस हो सकता है। हाँ, तो लेकिन बेल्जियम में आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सबमिट करवाते हैं, और लेकिन आपको मंथली उसी तरह ब्लॉक अकाउंट के पैसे मिलते हैं। खैर, इसके अलावा आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए और एजुकेशनल लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स, लीगलाइजेशन करवानी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, वो भी बेल्जियम एम्बेसी से हो जाती है। तो आप ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप शेयर कर देना। चेक लिस्ट शेयर कर सकता हूँ मैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर है तो वो मैं शेयर कर दूंगा। उसके अलावा जो मुझे याद है वो मैं बता देता हूँ कि आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ब्लॉक अकाउंट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और इसके अलावा कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ब्लॉक अकाउंट की वजह से वो बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल प्रूफ्स वाला रोला नहीं होता? नहीं, ये एक इसका एडवांटेज है। और अपॉइंटमेंट का भी एक माह के अंदर, आपको 1.5 माह के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, क्योंकि गैरीज के थ्रू है इसका प्रोसेस, काफ़ी स्मूथ हो जाता है। और आपको फिर जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाना है वहाँ ऑफिस में, तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स भी ले लेते हैं, इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू रिटर्न होता है, क्वेश्चनेयर टाइप होता है, आपने वो करना है, तो वो कोई टेक्निकल इंटरव्यू नहीं है। तो उसके बाद आपको एक माह के अंदर वीज़ा मिल जाता है। रिजेक्शन हो सकती है या नहीं? नहीं, आपकी अगर आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं
उसी केस में रिजेक्शन होगी। तो अगर आप रिस्क हैं बहुत बड़ा तो होगी, वरना कोई रिजेक्शन नहीं है 90% आई वुड से के वीज़ा रेशो है बेल्जियम की। तो नॉर्मली भी मैं बेल्जियम रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे हैं तो मैं कहूँगा कि बेल्जियम आए, तो क्योंकि इसका प्रोसेस स्मूथ है, क्विकली हो जाता है। सही। तो आपने पहले मेंशन किया था कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कंपेरेटिवली कम है बेल्जियम में, तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स शायद कंसिडर करें विदाउट स्कॉलरशिप यहाँ आना, एक तो इस वजह से, और दूसरा क्योंकि आपने भी एक साल बाद ब्रसल्स मूव किया था और आपने फिर मास्टर्स अपना सेल्फ फंडिंग पे किया है, तो थोड़ा ये बता दें कि कितना मुश्किल है बेल्जियम में अपना खर्चा उठाना, ट्यूशन फ़ी कितनी होती है, मंथली एक्सपेंसेस कितने आ जाते हैं और ये सब। अच्छा, तो अगर आप मतलब ब्लॉक अकाउंट के थ्रू आए हैं लेकिन आपने फिर सर्वाइव करना है बेल्जियम में, तो मैं इसको भी कंपेयर करता होता हूँ नॉर्मली इटली के साथ, जर्मनी के साथ, जो हॉट डेस्टिनेशंस हैं स्टूडेंट्स की, तो मैं उसके साथ कंपैरिजन में अगर बताऊँ तो आपको इजीली पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। इजीली से हम मुराद ये नहीं कि आपको पहले ही माँ मिल जाएगी, आप आएँगे, आपका रेजिडेंस कार्ड बनेगा बेल्जियम का, उसके बाद कितनी देर में बनता है, क्योंकि इटली में टाइम लग जाता होता है उस पर भी, बेल्जियम में भी कम्यून टू कम्यून डिफरेंट, लेकिन 2 माह में आपका रेजिडेंस कार्ड आपके हाथ में आ जाता है। सही है, 2 माह, 2 माह बहुत रीजनेबल टाइम है, इतना तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसके बाद आप डिफरेंट इंटायरिंग एजेंसीज़ हैं, आप उनमें अप्लाई करते हैं, वो प्रोसेस 1 माह ले लेता है, तो उसके बाद वो आपको अपने डेटाबेस में डाल लेते हैं, और फिर वेयर हाउसेज की जॉब्स आती हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट जॉब्स होती हैं वो आपको उसके लिए कॉल करते हैं, तो लेकिन आपको जॉब मिल जाती है और अच्छी पे होती है, आपको 11 यूरोस पर आवर मिल सकते हैं, ये एक अच्छी सैलरी है स्टूडेंट के लिए, वो सर्वाइव कर सकता है। उसके अलावा आप डिलीवरी का जॉब करें उसमें भी आपको अगर टेक अवे कर रहे हैं तो आपको 10 यूरो 11 यूरो पर आवर फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं, तो ये सर्वाइव कर सकता है स्टूडेंट। ट्यूशन फ़ी का थोड़ा बता दें कितनी होती है ये? ट्यूशन फ़ी अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ की है वो स्टार्टिंग होती है 900 यूरो पर ईयर, फॉर एग्जांपल व्री यूनिवर्सिटी ब्रसल्स। अब इसमें भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनकी फ़ी 4000 यूरो पर ईयर भी है व्री यूनिवर्सिटी ब्रसल्स में भी। इसी तरह अगर आप बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प की, वहाँ पर स्टार्टिंग ही 5000 यूरो पर ईयर से होती है, तो उसकी ज़्यादा है। तो इधर वो सीन नहीं होता कि ईजे होता है इटली में, वो आप जमा करा दो तो आपकी फ़ी कम हो जाती है, इधर इस तरह का कोई नहीं? नहीं, बेल्जियम ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको जो फ़ी है वो पे करनी होती है, और नॉर्मली जो नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं उनको इकट्ठी पे करनी पड़ती है, तो इंस्टॉलमेंट्स वाला सीन भी नहीं है, आपको पूरी फ़ी पे करनी पड़ती है। अगर 1000 यूरो फ़ी है या 5000 यूरो फ़ी है, आपको एक बार पे करनी पड़ती है, क्योंकि आपने जब रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना है तो आपको यूनिवर्सिटी में फ़ी पे करके, तो वहाँ से एक लेटर मिलता है, आपको वो अपनी कम्यून में सबमिट करवाना होता है। okay. तो इसके लिए आपको पूरी फ़ी पे करनी पड़ेगी। okay. तो आई थिंक बनी भाई काफ़ी हद तक चीज़ें तो कवर हो गई हुई हैं, पर फिर भी आपके ख्याल से अगर कोई चीज़ हमने मिस की है या अगर मिस नहीं की, तो आप अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो कोशिश कर रहे हैं कहीं बाहर आने की डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो आप क्या एडवाइस देंगे? एडवाइस मैं ये दूंगा कि अगर आप अपने पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कैरियर ओरिएंटेड हैं तो आप बेल्जियम चूज़ कर सकते हैं, कंसिडरिंग द सिनेरियो मतलब इन पाकिस्तान आपको लॉन्ग वेटिंग लिस्ट नहीं है वीज़ा के लिए, और वीज़ा रेशो 90% के करीब है, और अगर बात करें कि स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि मैं वहाँ जाके सर्वाइव कर सकूँगा या नहीं, तो बेल्जियम में आप पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बनी भाई, मेरे ख्याल से काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे व्यूअर्स के। आई होप सो। या तो फिर भी अगर उन्होंने कुछ पूछना हुआ और ऐसा मुझे कमेंट मिला जिसका आंसर मैं ना दे पाया, तो मैं आपसे पूछ लूँगा। तो मेरे ख्याल से आपने कुछ स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाई हुई हैं बेल्जियम पे, उनके लिंक्स भी मुझे दे दीजिएगा, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बिल्कुल, तो आपने अगर डिटेल वीडियो देखनी है कि पार्ट टाइम जॉब कैसे अवेल करनी है या फिर एडमिशन कैसे लेना है बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज में, वो सब आपको मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो बस सही है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।